नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत में आज दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। आज एक युवक ने ऐसी घटना को अंजाम देना चाहा जिसे देख और सुनकर हर कोई सन रह गया। हैरान इसलिए क्योंकि युवक पर दूसरे युवक की जान लेने का भूत सवार था। युवक को मारने का पूरा प्लान पहले से तैयार था। इतना ही नहीं, हैरानी तो तब हुई जब लोगों ने आरोपी युवक से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि कुछ महीनों पहले कुछ कहासुनी हो गई थी जिसका बदला लेने के लिए उसने युवक पर गंडासी से वार किया। लेकिन इस दौरान युवक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, ना ही कोई डर था और ना ही कोई पछतावा था। युवक 10वीं क्लास में पढ़ता है और जिस दौरान उसने युवक पर हमला किया तो उसने स्कूल की वर्दी भी डाली हुई थी। वहीं जिस दौरान ये पूरी घटना हुई तो मौके पर लोग मौजूद थे जिन्होंने आरोपी युवकों में से एक युवक को पकड़ लिया और एक युवक फरार हो गया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी तस्वीरें देख आपका भी दिल दहल जाएगा क्योंकि आरोपित युवकों ने एक या दो नहीं बल्कि गंडासी से युवक पर 9 बार वार किए जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बदन पर चाहे स्कूल की वर्दी क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त इस आरोपी युवक के चेहरे के पीछे कोई विद्यार्थी नहीं बल्कि एक हत्यारा छिपा हुआ था। दोस्तों में हुई कहासुनी में इस युवक ने दूसरे युवक की जान लेनी चाही। इसने युवक को मारने का पूरी तरह से प्लान तैयार कर रखा था। इस आरोपी युवक के साथ एक और युवक भी शामिल था। दोनों दोस्त उस युवक को मारने के लिए पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद थे। युवक पर वार करने के लिए वो अपने साथ कट्टे में गंडासी भी लेकर आए हुए थे। आपको सबसे पहले सीसीटीवी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जैसे ही पीड़ित युवक बाइक पर सवार होकर आता है तो दोनों आरोपी युवक उसे बाइक से नीचे उतार लेते हैं कि तभी एक युवक उसे पकड़ता है तो दूसरा उस पर गंडासी से हमला करना शुरू कर देता है। एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 9 बार युवक पर जोर जोर से हमला किया जाता है कि तभी आसपास खड़े लोग आरोपी युवकों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक युवक तो मौके से फरार हो जाता है जबकि एक युवक को पकड़ लिया जाता है और पीड़ित युवक पर इतने वार किए जाते हैं कि वो पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अब आपको उस युवक की बातें सुनवाते हैं जिसे जरा भी डर नहीं है, ना ही उसके चेहरे पर कोई शिकन है। आरोपी युवक का नाम जतिन है जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है। आरोपी ने बताया कि यह हथियार उसका दोस्त लेकर आया था, लेकिन रंजिश किस बात की है इस बात का खुलासा नहीं किया है। क्या बात थी? किस चीज का? आपस में। फिर क्यों मारा आपने? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? काफी टाइम पुरानी बात है, याद नहीं इतना। फिर मारा क्यों आपने? एक नहीं एक प्लीज है। फिर क्यों मारा? एक आपस में हो गया था। अच्छा, कोई कक्षा में पढ़ता तू? नहीं, वैसे जानकार है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते? 10th में। और वो लड़का जिसको मारा? उसका नहीं पता। उसका हाथ कट गया क्या? अलग हो गया हाथ? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं। हथियार कहाँ से लाए थे? ये दोस्त के थे। दोस्त के थे? कितने दोस्त थे तुम? ये घटना पानीपत के सलारगंज गेट की है जहां पर दिन दहाड़े 10वीं क्लास के 6
छात्र और उसके साथी ने एक युवक पर गंडासी से हमला कर उसको लहूलुहान कर दिया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मौके से हथियार समेत आरोपी को पकड़ लिया है। वहीं घायल युवक विक्की जो कि ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता है उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान ले जाते हुए घायल युवक ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। क्या बात हुई थी? कुछ बात नहीं थी, क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं थी, बस उन्होंने बेमतलब में पुरानी भड़क थी उनकी, तो उन्होंने पुरानी क्या दुश्मनी थी? वहीं डीएसपी सतीश बस ने बताया कि पीड़ित शिकायत देंगे तो मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से हमला किया गया है। बहरहाल गनीमत ये रही कि घायल युवक विक्की की जान बच गई है, लेकिन जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में हमला दिख रहा है इससे साफ जाहिर है कि आरोपियों ने उसको मारने की नीयत से हमला किया था। कि अभी भी एक ताजा घटना है, तो करीब घंटा पहले की, एक लड़का दूसरे लड़के को गंडासी से मार रहा है और दो तीन लड़के उसमें इन्वॉल्व हैं, तो अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड उन्होंने नहीं करवाया सिटी थाने में, तो जैसे ही वो अभी स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से FIR दर्ज करके जल्दी से जल्दी लड़कों को गिरफ्तार करेंगे। ये बहुत गंभीर घटना है, बिल्कुल जो है ना पूरे तरीके से वो एक लड़के पर वार कर रहे हैं। सीसी फुटेज है? हाँ, सीसी फुटेज के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज में ही ये दिख रहा है कि किस तरीके से वो बराबर तरीके से उसको एक लड़के को मार रहे हैं, तो जल्दी ही हम उसमें FIR दर्ज करके गिरफ्तार करेंगे। कुछ स्टूडेंट है सर वो? हाँ, अभी तक यही पता लगा कि स्टूडेंट हैं, बाकी तो। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कैसे इन दो दोस्तों ने मिलकर युवक पर गंडासी से हमला किया। सर यहाँ पे दो जने बैठे थे, वो हथियार उसने एक लड़के को और बुलाया, जिसको उसका बुला के उसको प्यार मोहब्बत उसका एकदम उसके सर हाथ पे उसके वार मतलब पहले ही प्लानिंग करके बैठे थे। पहले प्लानिंग करके बैठे थे, उसके हाथ पे एकदम गंडासा ले रहे थे, इतना लंबा था वो, उसके हाथ में मारा, उसका हाथ ऐसे लटक गया, ये सारा आप देख रहे हैं सारा ब्लड ब्लड यहाँ पड़ा है, वो उसके बहुत जोर है। उसको पहले यहाँ डीके सिंह में भेजा, डीके सिंह वाले ने उसको वहाँ सिविल में रेफर कर दिया है। जो आज तक छोटे छोटे पढ़ने वाले लड़के आज तक ये हाल कर रहे हैं, तो आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। फिलहाल जो मौके पे देश का भविष्य हमारे युवा, लेकिन इस घटना को देख ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज का युवा किस ओर जा रहा है। कुछ महीनों पहले की हुई कहासुनी ने आज बदला लेना चाहा, और वो भी युवक पर जानलेवा हमला कर। युवक ने स्कूल की वर्दी डाली हुई थी, हाथों में कलम की बजाय आज इस आरोपी युवक ने हाथों में गंडासी लेकर पूरे प्लान के साथ दूसरे युवक को मारना चाहा, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। लेकिन वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में मौके से एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या खुलासा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी क्या वजह थी कि आरोपी युवकों ने इस घटना की प्लानिंग रच डाली। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। नमस्कार। करियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812214।